बहुत दिन पहले एक माँ बतख अपने घोंसले में अंडों के ऊपर बैठ के अपने अंडों को सेव रही थी। एक दिन एक के बाद एक अंडे टूटने लगे और पीले पीले बच्चे बाहर निकलने लगे। छोटा बतख अपनी पंखों को हिलाने लगा, क्वाक क्वाक। मेरे प्यारे बच्चों, माँ बतख बहुत आनंद के साथ बोली, कितने प्यारे हो तुम सब। बच्चे ने कहा, फिर माँ बतख बोले, तुम सब एक लाइन में खड़े हो जाओ, हम सब पानी में तैरने उतरेंगे। माँ गिनने लगी, 1, 2, 3, 4, 5। मेरे बच्चों, वो बोलती रही, मेरे 6 बच्चे होने चाहिए थे, लेकिन एक बड़ा सा अंडा अभी भी घोंसले में था। ओह, माँ बतख बोली, लगता है वो बड़ा अंडा अभी थोड़ा और समय लेगा। माँ बतख अपने घोंसले में जाकर अंडे पर बैठ गई और दूसरे दिन वो बड़ा अंडा टूटना शुरू हुआ। एक लड़का बतख बाहर निकला, लेकिन वो दिखने में कुछ अलग था और वो पंछी दूसरे बच्चों से बड़ा था। उसका रंग पीला भी नहीं था, उसका सिर बड़ा था, उसका रंग थोड़ा सा काला भी था। सर से लेकर पैर तक वो काला था। उसका चलने का अंदाज काफी मजेदार था। एक छोटी बतख बोली, ये क्या है, ये तो हम जैसा नहीं है। इतना भयानक बच्चा मैंने कभी नहीं देखा। दूसरा छोटा बतख बोला, तुम ऐसी बातें कैसे कर सकते हो। माँ बतख कठोर होकर बोली, तुम सबकी उम्र बस एक दिन की है। तुम्हारे भाई का जन्म अभी अभी हुआ है और उसी घोंसले से जहाँ से तुम्हारा जन्म हुआ। चलो अब लाइन में खड़े हो जाओ, हम तैरने जाएंगे। फिर भी छोटे बतख बोलने लगे, वो बदसूरत बतख समझ नहीं पा रहा था कि दूसरे छोटे बतख इतना शोर क्यों मचा रहे हैं। वो सबके पीछे जाकर खड़ा हो गया। सभी पीले बतख एक एक करके नदी में कूदने लगे। जब बदसूरत बतख की बारी आई तो वो पानी में कूदा और वो तैरने लगा। कम से कम ये तैर सकता है, माँ बतख ने खुद से कहा। पानी से बाहर आकर सब एक साथ खेलने लगे और उस बदसूरत बतख ने भी अपने भाई बहन के साथ खेलना शुरू किया, लेकिन वो उस पर चिल्लाने लगे, भागो यहाँ से, हम तुम्हारे साथ नहीं खेलेंगे। तुम बदसूरत हो और तुम अजीब चलते हो। पता है क्या, अगर तुम यहाँ से चले जाते हो तो हम लोगों पर एहसान होगा। सारे बतख एक साथ उस पर चिल्लाने लगे, चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ। ये मुझे यहाँ रहने क्यों नहीं दे रहे हैं। उस रात बदसूरत बतख का बच्चा उड़ के तालाब के दूसरी तरफ गया। वो तब तक उड़ता रहा जब तक वो जमीन पर ना पहुँच गया। वहाँ वो दो बड़े बतखों से मिला। क्या मैं कुछ देर यहाँ पे रह सकता हूँ, बदसूरत बतख ने कहा। मेरे पास रहने का कोई ठिकाना नहीं है। तो हम क्या करें, एक बतख ने कहा। हमारे रास्ते से हट जाओ। अचानक एक बड़ा सा कुत्ता वहाँ आ गया। वो बहुत भूखा था। वो उन दोनों बतखों के पीछे दौड़ा, लेकिन वो दोनों हवा में उड़ गए और उनके पंख नीचे जमीन पर गिर गए। बदसूरत बतख का बच्चा बहुत डर गया था। वो डर के वहाँ छुप गया। कुत्ते ने लंबी सांस ली और वो वहाँ से चला गया। मैं इतना बदसूरत हूँ कि भूखा कुत्ता भी मुझे नहीं खाना चाहता, ये बात बोलते हुए बदसूरत बतख दुखी हो गया। तभी एक बिजली चमकी, आकाश चीर के रोशनी दिखाई दी और बहुत जोर की आंधी आई और उसके साथ बहुत जोर से बारिश भी होने लगी। बदसूरत बतख बिजली और बारिश को देखकर बहुत डरने लगा और फिर तेज ठंडी हवा भी चलने लगी। बोलते हुए उसने अपने पंख अपनी छाती से चिपका लिए। मुझे जगह मिल जाए तो मैं खुद को सुखा सकता हूँ। तभी बिजली चमकी और उसे लकड़ी की एक कुटिया दिखाई दी। क्या ये किसी का घर है, वो उस दरवाजे के पास गया। क्वैक क्वैक, बदसूरत बतख ने कहा। दरवाजा खुलते ही एक आवाज सुनाई दी, बाहर कौन है, बूढ़ी ने कहा। और उसने दाएं बाएं देखा, उसकी आंख भी ठीक नहीं थी। तब उसने नीचे देखा और कहा, अरे
ये तो एक बतख है। उसने बदसूरत बतख के बच्चे को उठाया और घर के अंदर ले लिया। तुम यहाँ रह सकते हो, लेकिन तुम्हें अंडे देने होंगे, बूढ़ी औरत ने कहा। इतने में एक बिल्ली और एक मुर्गे की नजर उस बतख पर पड़ी। तुम अपने आप को क्या समझती हो कि कभी भी घर में आओगी और घर पर कब्जा कर लोगी पूरी तरह, बिल्ली ने कहा। मुर्गी ने कहा, मेरे रहते हुए अंडा देने के लिए किसी और की कोई जरूरत नहीं है। तुम उसकी चिंता मत करो, बदसूरत बतख ने कहा। मैं लड़का बतख हूँ, तो फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, बिल्ली ने कहा। बुढ़िया ने क्या कहा तुमने सुना नहीं क्या? यहाँ से निकल जाओ धोखेबाज, मुर्गी चिल्ला कर बोली। निकल जाओ, निकल जाओ, बिल्ली ने चिल्ला कर कहा। तभी दरवाजा थोड़ा सा खुला और वह दुखी बदसूरत बतख का बच्चा तूफानी आंधी में दरवाजे से बाहर निकल गया। कोई मुझसे प्यार नहीं करता, बदसूरत बतख के बच्चे की आंखों से आंसू निकलने लगे। आंधी चली गई। बदसूरत बतख के बच्चे को एक तालाब दिखाई दिया। वो पानी की तरफ देखने लगा। पानी में एक सफेद रंग के बड़े से पंछी की परछाई उसे दिखाई दी। उसने ऊपर देखा। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। एक सुंदर सा पंछी आसमान में उड़ रहा था। सफेद लंबा शरीर, लंबा गला, जो आकाश में उड़ रहा था। वो तब तक उसे देखता रहा जब तक वो पंछी उसकी नजर से दूर न चला गया। उसे देखकर वो बहुत खुश हुआ। वो वहीं तालाब के पास बैठ गया और समय व्यतीत करने लगा। पेड़ के पत्ते पानी में गिरने लगे, पहले लाल रंग के, फिर सुनहरे रंग के। सर्दियों का मौसम आया और वहाँ चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थी। ठंडी हवा और काले काले बादलों को देखकर वो और दुखी हो गया। वो वहाँ से जाना चाहता था, लेकिन उस ठंडे तालाब को पार करना उसके लिए बहुत मुश्किल था। तालाब का पानी बर्फ बनता जा रहा था। फिर एक दिन वो पानी में उतरा। पानी बर्फ न बन जाए इसलिए वो अपने पैर चलाता रहा ताकि वो तालाब में फंस न जाए। मैं बहुत थक गया हूँ, बदसूरत बतख का बच्चा बोला और पैर चलाता रहा। ऊपर से बर्फ गिर रही थी और वो नीचे दब रहा था। इतने में दो हाथों ने उसे उठा लिया। इसकी हालत खराब है, किसान ने कहा, और उसने उस बदसूरत बतख के बच्चे को अपने जैकेट के अंदर ले लिया और फिर अपने घर ले आया। चूल्हे की गर्माहट लेते हुए वो बच्चा वहाँ बैठ गया। देखते ही देखते सर्दियों का मौसम चला गया और बसंत का मौसम आया और फिर पेड़ों पर हरी हरी पत्तियाँ आने लगी, नए फूल खिलने लगे। अब तुम्हारा फिर से तालाब में जाकर तैरने का समय हो गया जिसके लिए तुम पैदा हुए हो, किसान ने कहा। फिर उसने उस बदसूरत बतख को उठाया और तालाब के पास ले गया जहां वो उसे मिला था और पानी में उतार दिया। अरे वाह, मैं तो ताकतवर बन गया, वो अपने आप पानी में झपट्टा मारते हुए तैरने लगा। क्यों, मुझे इतनी ताकत पहले क्यों नहीं महसूस होती थी? उसे अपने पीछे कुछ आवाजें सुनाई दी। वहाँ बहुत सारे सुंदर पंछी आकर पानी में उतरे थे। वही पंछी जिसे उसने आकाश में उड़ते हुए देखा था। घबराओ मत, बदसूरत बतख ने दूसरे पंछी से कहा। अब मैं चलता हूँ, मैं तुम्हें कोई तकलीफ नहीं देना चाहता। उसकी आंखों में आंसू भर गए और वो जाने लगा। जब उसने आंखें खोली, उसने उस खूबसूरत सफेद रंग के पंछी की परछाई तालाब में देखी। वो इतना पास क्यों आया है, ये सोचकर वो पीछे चला गया और सफेद पंछी की परछाई भी पीछे चली गई। ये क्या हो रहा है, बदसूरत बतख का बच्चा बोला। उसने अपने गले को खींचा और खूबसूरत पंछी ने भी अपने गले को खींचा। तुम इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो, उस खूबसूरत पंछी ने कहा। हमारे साथ रहो ना, एक और खूबसूरत पंछी ने कहा। हम अच्छे दोस्त बनेंगे। तब उस बदसूरत बतख के बच्चे को समझ में आया कि आखिर हुआ क्या था। अब वो वही बदसूरत सा पंछी नहीं था।
अब वो एक खूबसूरत सफेद पंछी बन गया था और फिर सभी पंछियों ने एक साथ अपने पंख फड़फड़ाए और आसमान में उड़ गए। हमारे साथ चलो, एक खूबसूरत पंछी ने कहा। तुम आगे आओ। बदसूरत बतख के बच्चे ने अपने पंख फड़फड़ाए और वो सबसे आगे आ गया। उसके सभी दोस्त उसके पीछे पीछे उड़ने लगे। वो आकाश में ऊपर और फिर नीचे अपनी मर्जी से उड़ने लगा। अब कौन है बदसूरत बत्तख का बच्चा? मैं तो नहीं हूँ। बहुत समय पहले मिडास नाम का एक राजा था। वो इस धरती का सबसे धनी आदमी था, पर वो और ज्यादा धनी बनना चाहता था। 1,40,25,30,372। वो सोने से बहुत प्यार करता था। सच तो ये है कि सोने को वो अपनी बेटी से भी ज्यादा प्यार करता था। अपनी बेटी का नाम भी उसने सुनहरे फूल के नाम पर रखा, मैरीगोल्ड। मैरीगोल्ड एक छोटी सी प्यारी बच्ची थी, पर वो अपने पिता के प्यार के लिए तरसती रहती थी। एक दिन उसने भगवान से विनती की और अपने पिता के बर्ताव की शिकायत की। भगवान ने उसके पिता को सबक सिखाने की ठानी और राजा के सामने प्रकट हो गए। कौन है आप? तुम खुश रहो इसलिए मैं तुम्हें काफी सारा सोना दे सकता हूँ। काफी सारा सोना? आज तक किसी को भी काफी सारा सोना नहीं मिला। कैसा रहेगा यदि तुम धरती पर सबको सोना बांटते रहो और उसके बाद भी तुम धनवान व्यक्ति बने रहो? बांटूं? फिर मैं धनवान कैसे बना रहूंगा? तुम्हारे मन को किस चीज से संतोष मिलेगा? हाँ हाँ, ऐसी एक चीज है जिससे मुझे संतोष मिल सकता है। तो क्या है वो? मैं जिस चीज को हाथ लगाऊं वो सोना बन जाएगी, तब मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। भगवान अपना हाथ राजा के सर पर रख कर बोलते हैं, राजा मिडास, तुम्हारा मन गरीब है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हें असीमित सोना मिले। भगवान अपनी उंगलियों को हवा में लहराते हैं और अदृश्य हो जाते हैं। शायद यह सपना था, मैं इस कमरे में काफी देर से हूँ। सोने की अशर्फियों के ढेर पर लड़खड़ाता हुआ राजा अपने खजाने वाले घर से बाहर निकलता है और जैसे ही वो कमरे के दरवाजे को बंद करने के लिए हाथ लगाता है, पूरा दरवाजा सोने में तब्दील हो जाता है। सोना? ये तो सोने का बन गया। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। अचानक उसका हाथ दीवार पर लग जाता है और वो दीवार भी सोने की हो जाती है। सोना? ये भी सोना बन गया। मिडास अपने महल में दौड़ता हुआ जो भी चीज उसे दिखती उन चीजों को छूने लगता। उत्साह से भरा वो जोर जोर से हाँफता हुआ अपनी बेटी के कमरे में पहुँचता है। मैरीगोल्ड अपने पिता को देखती है। पिताजी, मेरे ये प्यारे प्यारे गुलाबों को देखिए, कितने लाल हैं, इनकी महक कितनी सुगंधित है। मिडास अपनी बेटी की बातों को बीच में ही काट कर बोलता है, मैरीगोल्ड, मैरीगोल्ड, मैं तुम्हें एक चमत्कार दिखाता हूँ। अगर तुम्हें लगता है तुम्हारे फूल सुंदर हैं, तो रुको और चमत्कार देखो। मिडास गुलाब के फूलों की एक झड़ी को छूता है और वो पूरी झड़ी सोने में परिवर्तित हो जाती है। पिताजी, ये आपने क्या किया? ये फूल कितने भद्दे हो गए, इनका रंग गायब हो गया और धातु की तरह महक रहे हैं। छी, इसकी पत्तियां भी कितनी कड़ी हो गई। लेकिन इनकी कीमत अब बढ़ चुकी है। मेरे गुलाब खराब हो गए, आप दूसरे फूलों को हाथ मत लगाइए, वो जैसे है मुझे वैसे ही पसंद है। अपनी बेटी की बातों को अनसुना करते हुए मिडास बगीचे में दौड़ता हुआ मैरीगोल्ड के पूरे बगीचे को सोने का बना देता है। मैं मेरी इस नई शक्ति के सम्मान में एक दावत देना चाहता हूँ। तो क्या राज्य के सभी सम्मानित व्यक्तियों को आमंत्रित किया जाए? हाँ बिल्कुल। उस रात राज्य के सभी इज्जतदार पुरुष और महिलाएं राजा मिडास के महल में इकट्ठा हुए। किसी को कुछ नहीं पता था कि वो लोग यहाँ इकट्ठा क्यों हुए हैं। सभी मेहमान आपस में बातचीत करके तरह तरह की अटकलें लगा रहे थे। तभी मिडास बोलने लगे, जी हाँ, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, मुझे अपना मिट्टी का बर्तन दीजिए। जैसे ही राजा ने उस पात्र को छुआ,
वो पात्र सोने का हो गया। वहां इकट्ठा हुए मेहमानों को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। राजा मिडास ने सब लोगों की आंखों के सामने सभी बर्तनों को सोने में बदलकर सबको आश्चर्य में डाल दिया। राजा अपनी इस नई शक्ति का प्रदर्शन तब तक करता रहा जब तक सब कुछ सोने का नहीं हो गया। थका हारा और भूखा प्यासा राजा अपने गिलास में शराब भरकर जैसे ही होठों से लगाता है, उसकी शराब भी सोने की शिला बन जाती है। उसका चेहरा पीला पड़ जाता है। वह अपने कांपते हाथों से रोटी उठाने जाता है, पर जैसे ही उसकी उंगलियां रोटी को छूती हैं, वो रोटियां भी सोने की ईंट में बदल जाती हैं। मैरी गोल्ड अपने पिता के चेहरे पर डर का भाव देखती है। क्या हुआ पिताजी? मैरी गोल्ड भागती हुई अपने पिता की तरफ जाती है। इससे पहले कि राजा उसे रोके, वो अपने पिता की बाहों में समा जाती है। पर ये क्या? नहीं, मैं कितना गलत था। यह आशीर्वाद तो अभिशाप है। हे भगवान, मुझ पर दया करो। राजा की पुकार सुनकर आखिरकार भगवान उसके सामने प्रकट हुए। तुम पर दया करूं तो तुम अपने आप में क्या सुधार लाओगे? तो मैं अपना खजाना खोलकर गरीबों में बांट दूंगा ताकि मुझे मेरी बेटी वापस मिले और मैं खा पी सकूं। यही वो बातें हैं जो मेरे लिए दौलत से भी ज्यादा मायने रखती हैं। लगता है तुम सबक सीख चुके हो। पहले जैसे बनने के लिए मेरे साथ चलो और नदी में डुबकी लगाओ जो बगीचे के पास ही है। जैसे ही राजा ने नदी में पैर रखा, उसके शरीर से चिपके हुए सोने के कण धूल बनकर नदी में मिल जाते हैं। राजा अपने महल की तरफ वापस भागता है और देखता है कि बाग के गुलाब फिर से पहले की तरह लाल हो चुके हैं और उनकी खुशबू भी लौट आई है। मेरी गोल्ड! मैरी गोल्ड अपने पिता की तरफ भागती हुई उनके गले लग जाती है। उसने भगवान से जिस चीज के लिए प्रार्थना की थी, आखिरकार वो उसे मिल गई। पिता का प्यार। बहुत दूर एक बूढ़ी औरत अपने 3 बच्चों के साथ रहती थी। वो सब बड़े दयालु और मददगार थे। उन्हें अपनी माँ के हाथ का बना सभी व्यंजन बहुत स्वादिष्ट लगता और वह हमेशा अपनी माँ को कुछ ना कुछ लजीज पकवान बनाने को कहते रहते। एक दिन माँ ने एक बड़ा सा पैनकेक बनाने में बच्चों की मदद मांगी। तीनों बच्चे उत्साह से भर गए और माँ की मदद के लिए तैयार हो गए। वे सभी लोग बड़े से पैनकेक को बनाने की तैयारियां करने लगे। उनमें से 2 अंडे फोड़ने लगे, बाकी 2 दूध, मैदा और शक्कर तौलने लगे। फिर सभी सामान को मिलाकर पैनकेक के लिए लोई तैयार की गई। वो लोग लोई को बड़ा सा गोलाकार देकर उसे एक कढ़ाई में डाल दिया और कढ़ाई को आग पर रख दिया। कुछ देर बाद बूढ़ी औरत ने बड़े लड़के से कहा कि वो पैनकेक को कढ़ाई में उलट पलट दे। लड़के ने पैनकेक को पलटने के लिए हवा में उछाला, लेकिन पैनकेक कढ़ाई में आने के बजाय दूर जाकर टेबल पर गिर पड़ा और वो उठकर भागने लगा। बच्चे ललचाई निगाहों से उस बड़े से पैनकेक को घूमकर भागते देखकर आश्चर्यचकित हो गए। तीनों बच्चे उस पैनकेक को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागने लगे। रुक जाओ स्वादिष्ट पैनकेक, तुम हमारे भोजन हो, हमें भूख लगी है, हम तुम्हें खाना चाहते हैं। मेरी रफ्तार तुम सबसे तेज है, पकड़ सकते हो तो पकड़ लो। बहुत जल्द पैनकेक लड़खड़ाते हुए रोड पर आ गया। एक बूढ़े आदमी ने पैनकेक को देखकर कहा, रुक जाओ, इतना तेज मत भागो, मैं तुम्हें खाना चाहता हूँ। पैनकेक ने कहा, मैं उन 3 बच्चों के लिए नहीं रुका, तुम्हारे लिए भी नहीं रुकूंगा, मुझे पकड़ सकते हो तो पकड़ लो। और लुढ़कते हुए वो दूर चला गया और फिर वो बगीचे में पहुंच गया। दीवार पर बैठी एक बिल्ली ने उसे देखा और कहा, तुम मुझसे बच नहीं सकते, जैसे ही तुम मेरी गिरफ्त में आओगे मैं तुम्हें निकल जाऊंगी। कहते हुए वो दीवार से कूद पड़ी, लेकिन पैनकेक ने कहा, मैं 3 बच्चों के चंगुल से छूटा, फिर बूढ़े आदमी के भी, अब मैं तुम्हारे चंगुल से भी छूट जाऊंगा, पकड़ सकती हो तो पकड़ लो। फिर पैनकेक एक घर के गेट के पास से गुजरा। गेट पर बैठे मुर्गे ने उसे देखा और बांग देते हुए बोला, रुक जाओ,
अब तुम्हारा बचना मुश्किल है। मैं तुम्हें खाना चाहता हूँ पैनकेक। पैनकेक दो लड़खड़ाते हुए गया और बोला, नहीं साहब, आप मुझे नहीं खा सकते। मैं आपके चंगुल से भी छूट जाऊंगा। मैं पहले 3 बच्चों के चंगुल से छूटा, फिर मैं एक बूढ़े के चंगुल से भी छूट गया। उसके बाद वो बिल्ली भी मुझे नहीं पकड़ पाई। मेरी रफ्तार आपसे भी तेज है, पकड़ सकते हो तो पकड़ लो। मुर्गे ने उसकी बात पर गौर किए बगैर उसका पीछा करना शुरू कर दिया, लेकिन पैनकेक उसकी पहुंच से बहुत ज्यादा दूर निकल चुका था। तालाब के पास एक बतख ने उसे देखा और वो उसे खाना चाहता था। वो पैनकेक की ओर डगमगाता हुआ बढ़ा और चिल्लाया, रुक जाओ, मैं भूखा हूँ और तुम्हारी खुशबू अच्छी आ रही है। मैं तुम्हें खाना चाहता हूँ, तुम मुझसे बच के नहीं जा पाओगे, बतख ने कहा। लेकिन पैनकेक बोला, मुझे कोई भी नहीं खा सकता। पहले मैं 3 बच्चों से बच गया, उसके बाद मैं एक बूढ़े आदमी से भी बच गया, बिल्ली और मुर्गे ने भी मुझे पकड़ने की कोशिश की, और अब मैं तुमसे भी बच के भाग जाऊंगा। मुझे पकड़ सकते हो तो पकड़ लो। मगर बतख डगमगाता हुआ आगे बढ़ता रहा। पास ही एक हरे भरे खेत में गाय थी। जब विशाल पैनकेक डगरता हुआ खेत में पहुंचा तो गाय ने आवाज लगाई, ठहरो विशाल पैनकेक, ठहर जाओ, मैं तुम्हें खाना चाहती हूँ, रुक जाओ। मगर पैनकेक उस पर व्यंग से हंसा और तेज भागते हुए बोला, महोदया, मैं नहीं चाहता कि मुझे कोई खाए। आपसे पहले 3 लड़के, एक बूढ़ा, बिल्ली, मुर्गा और बत्तख जो पास के तालाब का है, ये सब मुझे खाना चाहते थे। आप मुझे पकड़ सकती हैं तो पकड़ लीजिए, लेकिन गलती मत कीजिए, मैं आपसे भी छूट के निकल जाऊंगा। परंतु गाय भी विशाल पैनकेक के पीछे सर पर दौड़ पड़ी, पर पैनकेक उसकी पकड़ से भी निकल गया। जैसे ही वो जंगल के रास्ते गुजरते हुए नदी किनारे पहुंचा, वहाँ बैठा एक भूखा भेड़िया गुर्राया, जहाँ हूँ वही रुक जाओ, भागने की कोशिश मत करो। नहीं महाशय, मैं नहीं चाहता कि मुझे कोई खाए। ज्यादा शातिर बनने की कोशिश मत कीजिए, आप मुझे नहीं पकड़ पाएंगे। मैं 3 बच्चों से बच के निकला हूँ, एक बूढ़े ने भी मुझे पकड़ने की कोशिश की, बिल्ली और मुर्गे ने भी बड़ी मेहनत की, लेकिन वो भी नहीं पकड़ पाए। बत्तख और गाय ने भी अपनी तकदीर आजमा के देखी, वो भी मुझे पकड़ नहीं पाए। मैं जानता हूँ आप भी कोशिश में नाकाम हो जाएंगे, लेकिन मैं तुम्हें खाना नहीं चाहता, तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ, भेड़िये ने कहा। सच में मैं तो बड़ा खुश हुआ। ये कहकर पैनकेक रुक गया और भेड़िये के करीब आ पहुँचा। मुझे तैरना बिल्कुल नहीं आता, लेकिन मुझे नदी पार करनी है, आप मदद करेंगे? क्यों नहीं, तुम्हें नदी पार करा के मुझे खुशी होगी, तुम बस मेरी नाक पे चढ़ जाओ, भेड़िये ने बड़े भोलेपन से कहा। बड़े पैनकेक ने वही किया जैसा उस भेड़िये ने कहा। जैसे ही पैनकेक भेड़िये की नाक पर चढ़ा, उसने उसे हवा में उछाल दिया और सीधे वो भेड़िये के खुले मुंह में जा गिरा। चालाक भेड़िये ने उसे निगल लिया और अपने होंठ पर लगे अवशेषों को चाटने लगा। इसी बीच वो गाय नदी के पास पहुंच गई, बतख गाय के पीछे आ गई, वो बिल्ली और गाय दोनों उसी जगह पहुंच गई, वो बूढ़ा आदमी और तीनों बच्चे भी वहां पहुंच गए। क्या आपने पैनकेक को यहां से जाते देखा? सब ने भेड़िये से पूछा। पैनकेक को? हाँ। क्या वो बड़ा सा था? हाँ। क्या वो सुनहरा भूरा था? हाँ। कहाँ गया वो? सभी ने एक साथ पूछा। अरे वो तो बड़ा स्वादिष्ट था, ये कहते हुए भेड़िये ने अपने होठों को चाटा। एक समय की बात है, एक बहुत ही क्रूर राक्षस था। वो बहुत खतरनाक था और उसमें जानवरों का रूप लेने की शक्तियाँ भी थी। वो खूंखार जानवरों में बदल जाता और अपने खाने के लिए आसपास के गांव के लोगों का शिकार करता। उस गांव के लोग अपनी जान की खातिर डरते थे। वो कहाँ रहता है किसी को नहीं पता था, और वो कहाँ से आता है ये भी सिर्फ एक बिल्ले को पता था, जिसका नाम पुस था। उसी गांव के एक चक्की वाले का वो बहुत ही प्यारा पालतू बिल्ला था। चक्की वाले के 3 बेटे थे। 2 बेटे बहुत ही आलसी थे और मेहनत के सारे काम छोटे पर छोड़ देते। जब उनके पिता मरे
तो उनकी सारी जायदाद उनके बेटों में बट गई। चक्की बड़े बेटे के लिए, गधा मंझले बेटे के लिए और छोटे बेटे के लिए प्यारा बिल्ला पुस छोड़ा था। बड़े बेटों ने छोटे को उसके हाल पर छोड़ दिया। वो बड़ा दुखी था। उसने कहा, अरे रे, ये बिल्ला मेरे किसी काम का नहीं है। मैं इतना गरीब हूँ कि इसे कुछ खिला भी नहीं सकता। जब वो बैठकर सोच रहा था कि अब रोजी रोटी कैसे कमाई जाए, इतने में पुस उछला और उसने कहा, चिंता मत कीजिए मालिक, मैं आपकी रोजी रोटी का इंतजाम करता हूँ। चक्की वाले के बेटे को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। उसने आंखें मलकर आश्चर्य से कहा, तुम बात कर सकते हो? आपके पिताजी ने मुझे आपके पास इसलिए छोड़ा क्योंकि मैं और भी काम कर सकता हूँ। अगर मैं जैसा कहता हूँ वैसा आप करें तो? मैं क्या कर सकता हूँ? मेरे लिए एक टोपी, जूतों की जोड़ी और बड़ी थैली खरीदिए, बाकी सब मुझ पे छोड़िए। चक्की वाले के बेटे ने अपने पास जो बचे पैसे थे वो खर्च करके उसके लिए एक बढ़िया सी टोपी खरीदी जिस पर एक पर लगा हुआ था, भूरे रंग के जूतों की जोड़ी और एक बड़ी सी थैली। और फिर बिल्ले ने जूतों की जोड़ी पहनी, अपनी टोपी पहनी और फिर थैला लेकर चल पड़ा जंगल की ओर। ऐसा बिल्ला कभी नहीं दिखता, इसलिए चक्की वाले के बेटे ने उसे जूतों में पुस का नाम दे दिया। उसने जंगल जाने के रास्ते में खेत से कुछ गाजर उठाए और उन्हें अपनी थैली में रख लिए। चक्की से कुछ दूरी पर एक खरगोशों का बिल था। उसने अपनी थैली खोलकर वहाँ नीचे रख दी और फिर वो झोपड़ियों में जाकर छुप गया। जैसे ही भुक्कड़ खरगोशों ने ताजे गाजर सूंघी, वो उन्हें खाने के लिए थैली में घुस गए। उसने झपट कर थैली बंद कर दी और उसे बांध दी। एक मोटे खरगोश से भरी थैली अपने कंधे पर लेकर पुस चल रहा था और फिर वो राजा के महल तक पहुंचा। उसने राजा को प्रणाम किया और कहा, मेरे महाराज, मैं आपके लिए तोहफा लाया हूँ, मेरे मालिक कारावास के राजकुमार के खेत से। अपनी थैली से बड़ा सा खरगोश निकालकर वो बोला, मेरे मालिक ने आपके लिए खरगोश भेजा है और आपको नमस्ते कहा है। राजा ने तोहफा कबूल किया। इसी तरह दिन बीतते गए और जूतों में पुस राजा के महल तक पहुंचा। खरगोश, तीतर और टर्की वगैरह लेकर ये सब वो कारावास के राजकुमार के नाम पर ले जाता। आखिरकार राजा ने पुस से कहा, अपने मालिक से कहो कि उसके तोहफे पाकर मैं खुश हो गया। एक दिन पुस ने महल में सुना कि राजा और राजकुमारी नदी के तट पर जाने वाले हैं। वो अपने मालिक की ओर तुरंत दौड़ा और उसने अपने राजा से मिलने के बारे में उसे बताया और फिर उसने कहा, अगर आप मेरी बात मानेंगे तो आपकी तकदीर बन जाएगी। मैं चाहता हूँ कि आप नदी में जाकर तैरें। अगर आपसे कोई आपका नाम पूछे तो आपको कहना होगा आप कारावास के राजकुमार हैं, बाकी सब मुझ पे छोड़ दीजिए। बिल्ले के मुताबिक चक्की वाले के बेटे ने वैसा ही किया और जब वो पानी में था तब पुस ने उसके कपड़े उठाए और झाड़ियों में छुपा दिए। जैसे ही राजा की बग्गी आई, पुस उसकी ओर चिल्लाते हुए दौड़ा, मदद करो, मदद करो, मदद करो मेरे मालिक की, कारावास के राजकुमार की। आवाज सुनकर राजा ने बग्गी रुकवाई और उसने पूछा कि माजरा क्या है। राजा को प्रणाम कर उसने कहा, मेरे महाराज, मेरे मालिक नहा रहे थे और उनके कपड़े किसी ने चुरा लिए, उनका शरीर अकड़ जाएगा और वो डूब जाएंगे। राजा ने सेवकों को महल वापस जाकर राजकुमार के लिए अच्छे कपड़े लाने का आदेश दिया। जब चक्की वाले के बेटे ने शाही कपड़े पहने तो वो राजकुमार की तरह दिखने लगा। ये है मेरे मालिक महाराज, कारावास के राजकुमार। उसने बड़े अभिमान से चक्की वाले के बेटे को राजा और राजकुमारी से मिलवाया। चक्की वाले का बेटा भले ही गरीब था लेकिन वो राजकुमार की तरह सुंदर और होशियार भी दिखता था, इसीलिए किसी को शक नहीं हुआ। राजा ने उसे अपनी बग्गी में बैठने के लिए कहा और कहा कि वो उसे घर छोड़ देगा। उसने बग्गी चलाने वाले को कहाँ जाना है ये बता दिया और वो बग्गी के आगे दौड़ने लगा। जाते समय पुस कुछ किसानों से मिला, उसने उन्हें चेतावनी दी।
अगर राजा ने पूछा कि ये खेत किसके हैं, तो ये कहना होगा कि ये खेत कारावास के राजकुमार के हैं। अगर तुमने ऐसा नहीं कहा तो राजा के लोग तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। वो किसान बहुत डर गए थे। उन्होंने बिल्ली की बात मान ली। उसने रास्ते में मिलने वाले सबको ये चेतावनी दे दी। थोड़ी देर बाद वहाँ से गुजरने वाले राजा ने जानकारी निकालनी चाही और उन्होंने पूछा, मुझे बताओ ये खेत किसके हैं? इस पर किसानों ने जवाब दिया, राजकुमार के। राजा बहुत खुश हुआ। उसने चक्की वाले के बेटे की ओर मुड़कर कहा, तुम्हारी जायदाद बहुत अच्छी है। आगे दौड़ते हुए होशियार बिल्ला बड़े किले के पास पहुंचा, जहां वो राक्षस रहता था। वो डरा हुआ था, लेकिन फिर भी वो उस किले में घुस गया और कहा, ओ महान राक्षस, मैं आपकी शक्तियों का प्रशंसक हूँ। ये सुनकर राक्षस खुश हो गया और फिर उसने कहा, माफ कीजिए, क्या मैं आपको रूप बदलते हुए देख सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं। राक्षस ने गर्व से जवाब दिया। पल भर में राक्षस ने खुद को शेर के रूप में बदला और जोर से दहाड़ा। वाह, क्या बात है, आप तो बिल्कुल शेर जितने बड़े बन गए। लेकिन क्या आप चूहे जैसे छोटे जानवर भी बन सकते हैं? उसने हिम्मत से राक्षस से पूछा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, गर्व से राक्षस ने कहा और उसने खुद को चूहे में बदल दिया। उसने चूहे पर झपट्टा मारा और उसने तुरंत उस चूहे को निगल लिया। बिल्कुल उसी समय राजा की बग्घी राक्षस के किले पर आकर रुक गई। पुस बाहर आया और प्रणाम करते हुए उसने कहा, कारावास के राजकुमार के किले में आपका स्वागत है महाराज। राजा, राजकुमारी और चक्की वाले का बेटा पुस के साथ किले के अंदर चले गए और बड़ी सी दावत के लिए बैठ गए। राजा चक्के वाले के बेटे से बहुत खुश था। उसने सोचा कि मैं अपनी बेटी की शादी इसी से करवाऊंगा। चक्के वाले के बेटे की तरफ मुड़े और बोले, मेरी बेटी से शादी करोगे? मेरे महाराज, इतनी सुंदर राजकुमारी से शादी करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। जल्द ही चक्की वाले का बेटा और राजकुमारी की शादी हो गई और वो किले में खुशी से रहने लगे। जोता में पुस बड़ा जमींदार बन गया और अपनी बाकी की जिंदगी के लिए आराम से रहने लगा और फिर उसने चूहों का पीछा कभी नहीं किया। बहुत समय पहले एक लकड़हारा घने जंगल के पास झोपड़ी बनाकर अपने दो बच्चे हैंसल और ग्रेटल के साथ रहता था। हैंसल एक चतुर और बुद्धिमान लड़का था, जबकि ग्रेटल एक शर्मीली और डरपोक लड़की थी। लकड़हारे की दूसरी पत्नी बच्चों से बुरा बर्ताव करती और हमेशा उनके खिलाफ लकड़हारे के कान भरती। घर में हम सभी के लिए पर्याप्त भोजन नहीं है और कई सारे मुंह हैं खाने के लिए। हमें जल्दी ही इन भूखड़ बच्चों से पीछा छुड़ाना चाहिए, वरना हम दोनों भूखे मर जाएंगे, उसने साफ साफ कह दिया। लकड़हारे ने अपनी पत्नी के दुष्ट विचारों का विरोध किया, पर उसने अपने पति की एक ना सुनी। बेचारे हैंसल और ग्रेटल ने अपने पिता और सौतेली माँ की सारी बात सुन ली और वो पूरी रात रोते रहे। एक दिन पिता परिवार के निर्वाह के लिए पैसे कमाने शहर चला गया। दुष्ट सौतेली माँ को मौका मिल गया ताकि वो बच्चों को ले जाकर जंगल में बेसहारा छोड़ दे। अगली सुबह सौतेली माँ ने हैंसल और ग्रेटल को पास बुलाया और बड़े प्यार से बोली, जल्दी से तैयार हो जाओ बच्चों, हम सब पिकनिक के लिए चलते हैं। वो बच्चों पर भरपूर ममता लौटाने लगी, जिससे बच्चों को उसकी योजना का पता ना चले। उसने एक बैग में कुछ रोटियां और बिस्किट रख ली और ग्रेटल को देती हुई वो बोली, इसे पकड़ लो प्यारी लाडली ग्रेटल, हम जंगल में ये सब खाना खाएंगे। उसने खुशी खुशी घर में ताला बंद किया और जंगल की तरफ सब चल पड़े। हैंसल को पत्थर इकट्ठा करने का शौक था। उसके पास ढेर सारे सफेद कंकड़ थे, जिन्हें वो हर जगह अपने साथ ले जाता। हैंसल चुपके से उन सफेद कंकड़ों को एक कतार में गिराते हुए पढ़ने लगा, इन कंकड़ों के सहारे हम घर लौट सकते हैं। उसके लिए ये बस एक खेल था।
उसे अपनी सौतेली माँ की योजना की कोई जानकारी नहीं थी। मगर सौतेली माँ हैंसल को कंकड़ गिराते देख रही थी, पर वो खामोश थी। जैसे ही वो घने जंगल में पहुंचे, सौतेली माँ बोली, पिकनिक मनाने के लिए ये काफी अच्छी जगह है। तुम दोनों यहाँ पर थोड़ा आराम कर लो, तब तक मैं तुम लोगों के लिए कुछ ताजे फल लेकर आती हूँ। वो उन्हें छोड़कर चली गई। हैंसल और ग्रेटल ने एक पेड़ के नीचे बैठकर थोड़े से बिस्किट खाए और फिर कुछ खेल खेलने लगे। समय गुजरा और शाम होने लगी। ग्रेटल को चिंता होने लगी कि उसकी माँ उन्हें लेने अब तक वापस क्यों नहीं आई। सौतेली माँ ने बच्चों को जहाँ छोड़ा था ठीक वहाँ तक हैंसल को जब उसने सारे रास्ते कंकड़ डालते देखा था, तो वो तभी समझ गई थी कि बच्चे इतने तो होशियार हैं कि इन कंकड़ों के सहारे वो वापस घर तक पहुंच सके। इसलिए लौटते वक्त हैंसल के बिछाए कंकड़ों को उठाकर एक सुनसान रास्ते पर डालते हुए ठीक पहले की तरह ही कतार बना दी, जो रास्ता किसी अनजान जगह को जाता था। ग्रेटल को भयभीत देखकर हैंसल ने उससे कहा, रात होने का इंतजार करो, मैंने सारे रास्ते में सफेद कंकड़ों की कतार बनाई है, चांद की रोशनी में वो चमकेंगे, फिर हम घर लौट सकेंगे। जैसे ही रात हुई, उनके चारों तरफ जंगली जानवरों की भयानक आवाजें गूंजने लगी। वो दोनों डरने लगे, मगर उन्होंने चंद्रमा के निकलने का इंतजार किया और जब दोनों ने देखा कि सफेद कंकड़ चांदनी रात में चमक रहे, तो वो खुश हो गए और वो उनका पीछा करने लगे। उन्होंने सोचा ये कंकड़ की कतार बनाकर उन्होंने बुद्धिमानी का काम किया, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि सौतेली माँ ने राह बदल दी थी। मुझे अपना हाथ दो, हम सही सलामत घर पहुँचेंगे, तुम देख लेना, हैंसल ने बड़े आत्मविश्वास से कहा। चलते चलते वो थक गए, पर उन्हें कहीं भी अपना घर नहीं दिखा। उन्होंने एक पेड़ के नीचे बैठ जाने की सोची, क्योंकि वहाँ काफी सारे जुगनू उड़ते हुए रोशनी फैला रहे थे। चांद और जुगनुओं को निहारते निहारते दोनों की आंख लग गई। रात बीती और सुबह हुई, दोनों भाई बहन की नींद खुली। उन्होंने एक रंग बिरंगी भव्य और खूबसूरत तितली देखी। दोनों खुशी से एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। एक पल के लिए वो भूल गए कि वो राह भटक गए हैं और वो भूखे भी हैं, और तितली का पीछा करते हुए उसके साथ खेलने लगे। और पलक झपकते ही वो एक मजेदार से दिखने वाले घर के पास पहुंच गए थे। चॉकलेट, कैंडीज, जेम्स और केक से बना घर देखकर उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। ऐसा घर तो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। दोनों खुश हो जाते हैं और उन स्वादिष्ट मिठाइयों को खाने से खुद को रोक नहीं पाते। ये तो किसी सपने की तरह है, ग्रेटल ने कहा। जब उन्होंने मन भर कर खा लिया, तो उन्हें उस घर का दरवाजा दिखा। दोनों ने सोचा कि अंदर और खाएंगे और खेलेंगे। जैसे ही वो अंदर गए, दरवाजा झटके से बंद हो गया। उन्होंने देखा एक खूबसूरत औरत खाना बना रही है। वो बहुत ही उदार और दयालु लग रही थी, इसलिए दोनों ने उसका अभिवादन किया। नमस्ते महोदया जी, हैंसल और ग्रेटल ने उससे कहा। हम अपने घर का रास्ता भूल गए हैं, क्या आप हम पर दया करके रास्ता ढूंढने में मदद करेंगे? उस औरत ने ममता भरी दृष्टि से उन्हें देखा और मुस्कुराकर हाँ में सिर हिलाया। हाँ हाँ जरूर बच्चों, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी, पर तुम्हें कुछ दिन मेरा मेहमान बनकर मेरे साथ रहना होगा। मैं यहाँ अकेली रहती हूँ, तुम दोनों का साथ पाकर मुझे बड़ी खुशी होगी। बच्चे बहुत खुश हो गए। उस औरत ने उनके लिए उनका मन पसंद स्वादिष्ट भोजन बनाकर उन्हें खिलाया। तुम दोनों बड़े दुबले पतले हो, मैं तुम्हें खिलाकर तंदुरुस्त बना दूंगी, उसने मुस्कुराते हुए कहा। कुछ दिन बीतने के बाद एक रात ग्रेटल की नींद आधी रात को खुल गई। जैसे ही उसकी नींद खुली, उसने कुछ फुसफुसाने की आवाजें सुनी। वो आवाज की दिशा में बढ़ने लगी और उसने देखा कि वो खूबसूरत औरत असल में एक क्रूर डायन है, जो बच्चों को मारकर खा जाने की साजिश रच रही थी। वो औरत उन्हें स्वादिष्ट पकवान सिर्फ इसलिए खिला रही थी कि उन्हें तंदुरुस्त बनाकर वो उन्हें अपना ही स्वादिष्ट भोजन बना सके। उस डायन को ये पता नहीं था कि ग्रेटल ने उसे देख लिया है,
मगर ग्रेटल उसे देखकर थर थर कांप रही थी। अगली सुबह जब बच्चों की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि सब कुछ बदला हुआ है। आज ना तो टेबल पर भोजन है और ना ही पहनने के लिए कपड़े हैं। ग्रेटल ने बीती रात जो भी देखा था वो सब उसने हैंसल को बताया, और जैसे ही उसने कल की आंखों देखी हैंसल को बताने की सोची, वो औरत जो असल में एक डायन थी वो वहाँ आ गई और बड़े प्यार से बच्चों से बोली कि घर में खाना बनाने के लिए पर्याप्त लकड़ी नहीं है, इसलिए वो उनके लिए खाना नहीं बना सकी। उस औरत ने हैंसल से कहा, प्यारे बेटे, क्या तुम पास के जंगल से मेरे लिए कुछ लकड़ियाँ लेते आओगे जिससे मैं हम सबके लिए खाना पका सकूं, और तब तक मैं और ग्रेटल बाकी की सारी तैयारियां कर लेंगे। हैंसल तुरंत राजी हो गया। औरत ने उसे एक कुल्हाड़ी दी और वह खुशी खुशी घर से चल पड़ा। ग्रेटल जानती थी कि ये सब ठीक नहीं हो रहा है और वह बहुत डरी हुई थी, पर वह बिल्कुल वैसा ही कर रही थी जैसा वो औरत कह रही थी, जिससे उस औरत को कोई शक ना हो। हैंसल जंगल की तरफ जा ही रहा था तो उसने देखा कि घर के पिछवाड़े में लकड़ियों का ढेर लगा हुआ है। वो बहुत ही बुद्धिमान लड़का था। उसे तुरंत आभास हो गया कि कुछ तो गड़बड़ है। वो खिड़की से अंदर झांकने की कोशिश कर रहा था और उसने देखा कि डायन अब अपने असल रूप में ग्रेटल के सामने खड़ी थी। हैंसल ने कोई शोर नहीं किया, वह बिल्कुल सावधान था जिससे डायन को उसकी मौजूदगी का पता ना चले। हैंसल बड़ी तेजी से सोचने लगा कि इस वक्त वह ऐसा क्या करे जिससे वह अपनी प्यारी बहन की जान बचा सके। तभी उसे दुष्ट डायन की आवाज सुनाई दी जो ग्रेटल से कह रही थी, रसोई घर में जाकर चूल्हा जलाओ। ग्रेटल के पास डायन की बात मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। कुछ देर बाद डायन फिर ग्रेटल से बोली, जाकर जांच लो चूल्हा ठीक से जल तो रहा है या नहीं। इस पर ग्रेटल ने डायन से कहा, मुझे नहीं पता कैसे जांचा जाता है, आप एक बार जांच कर दिखा देंगे तो मैं बाद में फैसला ही करूंगी। डायन ने सोचा ये ग्रेटल कितनी बेवकूफ है। आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें दिखाती हूँ, उसने कहा। हैंसल जो बाहर से सब कुछ ध्यान से देख रहा था उसने सोचा बस यही मौका है, और जब डायन चूल्हे की तरफ बढ़ने लगी हैंसल चुपके से उसके पीछे आ गया, और जैसे ही डायन चूल्हे की जांच करने के लिए झुकी हैंसल दौड़ता हुआ आकर उसे चूल्हे में धकेल दिया, और ग्रेटल ने बड़ी फुर्ती और होशियारी से चूल्हे का दरवाजा बंद कर ताला लगा दिया। दुष्ट डायन जलकर राख हो गई। हैंसल और ग्रेटल एक दूसरे के गले लग गए। दोनों को यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब कैसे हो गया, और अब वो दोनों सही सलामत थे। वो डायन के कमरे में गए और उसकी बेशुमार दौलत और हीरे जवाहरात देखकर दोनों दंग रह गए। दोनों से जितना हो सकता था उतना सामान उन्होंने झोले में भर लिया और जल्दी से बाहर निकल गए, और तब तक भागते रहे जब तक घर नहीं पहुंचे। उन्होंने देखा उनका पिता बेबस और उदास घर के बाहर बरामदे में बैठा हुआ है। दोनों आकर अपने पिता के गले लग गए। लकड़हारा खुशी से अपने बच्चे को चूमने लगा। बच्चों ने अपने पिता को सारी आपबीती सुनाई। लकड़हारा गुस्से से भर गया और उसने अपनी चुगलखोर और बुरी नीयत वाली पत्नी को तुरंत घर से निकाला। जैसे ही सौतेली माँ ने घर छोड़ा बच्चों ने लकड़हारे को वो दौलत और हीरे जवाहरात दिखाए जो उन्होंने डायन के घर से लाए थे। आखिरकार बच्चों के अच्छे दिन लौट आए और वह अपने पिता के साथ सुखपूर्वक खुशी खुशी जीवन बिताने लगे। एक समय की बात है, दूर एक शहर में एक धनी आदमी अपनी तीन बेटियों के साथ रहता था। तीनों में सबसे छोटी बेटी बहुत खूबसूरत थी, इसलिए सब लोग उसे ब्यूटी कहकर बुलाते थे। वो बहुत अच्छी और दयालु थी। उसकी बड़ी बहनें ना तो अच्छी थीं ना ही दयालु। सच तो ये है कि वो दोनों ब्यूटी से बिल्कुल विपरीत स्वार्थी और घमंडी थीं। एक दिन उनका पिता बड़े दुखी मन से घर आया। जब लड़कियों ने पिता से उनकी उदासी का कारण पूछा तो उन्होंने जवाब दिया, अब हम गरीब हो गए हैं, भाग्य ने हमारा साथ छोड़ दिया। अब हमें आलीशान घर को छोड़कर
देहात के किसी झोपड़े में रहना पड़ेगा। दोनों बड़ी बेटियां ये बात सुनते ही अपना आपा खो बैठी। हम लोग गांव में जाकर कैसे रह पाएंगे पिताजी, उन दोनों ने कहा। मगर ब्यूटी ने कहा, मुझे तो जंगल, खेत खलिहान और फूलों के बीच में रहना बहुत अच्छा लगता है। कुछ दिनों बाद उस धनी आदमी को गांव में एक बड़े से बगीचे के साथ एक छोटी सी झोपड़ी मिल गई और वो सब वहां रहने चले गए। पिता उस बगीचे में कड़ी मेहनत कर फल और सब्जियां उगाने लगा और उन्हें बेचकर आराम से जीवन गुजारने लगा। एक दिन व्यापार के सिलसिले में पिता को दूर गांव में जाना पड़ा, इसलिए उसने तीनों बेटियों को पास बुलाकर कहा कि वो अगले दिन ही वापस लौट आएगा। उसके बाद उसने एक एक बेटी से बारी बारी से एक बात पूछी। क्या ऐसा कोई सस्ता उपहार है जो मैं तुम्हारे लिए ला सकूं? सबसे बड़ी बेटी ने कहा, हाँ मुझे हीरे चाहिए। मुझे मोती चाहिए, दूसरी बेटी बोली। मगर ब्यूटी ने कहा, पिताजी मेरे लिए सफेद गुलाब के फूलों का गुच्छा लेते आइएगा। उसके बाद पिता घोड़े पर सवार होकर निकल गया। ब्यूटी ने दरवाजे तक आकर पिता को हाथ हिलाते हुए विदा किया। पिता अपने व्यापार का काम निपटाकर घर लौटने लगा। कुछ दूर आने के बाद काफी अंधेरा हो गया और वो अपनी राह भटक गया था। भटकते हुए वो घने जंगल में आ पहुंचा। अब तो उसे वहां से बाहर निकलने का रास्ता नहीं सूझ रहा था। काफी मशक्कत के बाद आखिरकार उसे कुछ दूरी पर रोशनी की एक किरण दिखी और उसने घोड़ा उस तरफ बढ़ा लिया। जैसे तैसे वो रोशनी के नजदीक पहुंचा, वहां उसे पेड़ों के बीच में एक चौड़ा सा मार्ग दिखा। घोड़े पर सवार वो उस मार्ग पर चल दिया और तब उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब उसने एक महल का द्वार देखा। महल का दरवाजा खुला हुआ था मगर वहाँ कोई नहीं दिख रहा था, इसलिए वो व्यापारी अंदर चला गया। वो स्वागत कक्ष के दाहिने वाले कमरे में चला गया जहाँ एक भट्टी में आग दहक रही थी। उसने देखा मेज पर एक आदमी का भोजन रखा हुआ है। वो बहुत थका हुआ और भूखा था, इसलिए उसने सोचा कि अगर यहाँ कोई नहीं है तो वो ही ये स्वादिष्ट भोजन खा लेगा और उसके बाद घोड़े को अस्तबल में वो ले जाएगा। वो आराम से खाना खाने लगा। खाने के बाद उसे नींद आने लगी और हॉल को पार करने के बाद उसे एक सुंदर सा बेडरूम दिखा। वो बिस्तर पर लेट गया और सुबह तक के लिए गहरी नींद में सो गया। जब उसकी नींद खुली तो उसके कपड़े गायब थे, लेकिन एक कढ़ाई किया हुआ सूट कुर्सी पर रखा हुआ था। उसने नए कपड़े पहने और अपने घोड़े को देखने के लिए अस्तबल की तरफ चल पड़ा। अस्तबल के रास्ते में सफेद गुलाब के फूलों का एक सुंदर सा बगीचा था। सफेद गुलाब के फूलों पर उसकी नजर पड़ते ही उसे ब्यूटी की इच्छा की याद आ गई और उसने अपनी छोटी बेटी ब्यूटी के लिए फूलों का एक गुच्छा बना लेने की सोची। वो गुलाब के फूलों की तरफ आगे बढ़ा। उसने एक ही गुलाब तोड़ा था जब उसने पीछे से एक दिल दहला देने वाली आवाज सुनी और पीछे मुड़ते ही उसने एक विशाल सा राक्षस देखा। वो भयानक राक्षस ऊंची आवाज में बोला, एहसान फरामोश इंसान, तुमने किसका खाना खाया, किसके बिस्तर पर सोया और किसके कपड़े तुमने पहन रखे हैं? मेरे और मेरे एहसान का सिला तुम मेरे गुलाब चुरा कर दे रहे हो, तुम्हें मरना होगा। कृपया मुझे मत मारिए, उसने विनती की। सिर्फ एक शर्त पर तुम्हें जीवन दान मिल सकता है, राक्षस ने कहा। महीना खत्म होने से पहले तुम्हें फिर यहाँ आना होगा, लेकिन साथ में उसे लाना होगा जो घर जाते वक्त तुम्हें सबसे पहले मिलेगा। ब्यूटी के पिता के पास इस शर्त को स्वीकार करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। जैसे ही वो अपने घोड़े पर सवार होकर महल से निकला, वो राक्षस से किए गए वादे के बारे में सोचने लगा। उसे ये याद आने लगा कि घर से जाते वक्त कैसे ब्यूटी ने दरवाजे पर खड़े होकर हाथ हिलाते हुए उसे विदा किया था। एक भयानक विचार से वो सिहर उठा।
क्या होगा अगर ब्यूटी मेरे रास्ते में सबसे पहले आई तो? यहाँ ब्यूटी अपने कमरे की खिड़की पर खड़ी अपने पिता के वापस आने का इंतजार कर रही थी, जब उसने दूर घोड़े पर सवार एक आकृति को आते देखा तो वो कमरे से निकलकर बगीचे के मार्ग पर आ गई। हाँ, ये उसके पिता ही थे जो लौटकर घर आ रहे थे, मगर ब्यूटी अपने पिता के साथ हुई घटना से अनजान थी। वो काफी थके हुए और दुखी लग रहे थे। पिताजी, आप मुझे देखकर खुश नहीं हुए? वह अपनी छोटी बेटी को गले लगाकर रोने लगे। जब वो झोपड़ी में पहुँचे तो पिता ने बेटी को राक्षस से किए हुए अपने वादे के बारे में बताया। लेकिन तुम मेरे साथ मत आना ब्यूटी, चाहे कुछ भी हो जाए, उसने कहा। मगर ब्यूटी ने जिद करते हुए कहा कि जब एक बार कोई वचन दे दिया जाता है तो उसे निभाना ही पड़ता है। आखिरकार उसका पिता इस बात पर राजी हो जाता है कि इस महीने के अंत में वो ब्यूटी को लेकर राक्षस के पास जाएगा। एक गांव में तीन भाई रहते थे। तीनों ही बड़े विद्वान, कई शास्त्रों में ज्ञानी थे। अपने ज्ञान पर उन्हें बड़ा गर्व था। उनका एक सौतेला भाई था जिसका नाम गोपाल था। वो बेचारा अनपढ़ और गरीब था, मतलब वो होशियार था पर उसने पढ़ाई नहीं की थी। एक दिन वो तीनों भाई कोई नया काम ढूंढने के लिए दूसरे गांव जाने लगे। गरीब गोपाल ने उनसे कहा कि मैं भी आपके साथ आना चाहता हूं। उन्होंने कहा, ठीक है, लेकिन हमारी बराबरी मत करना, नौकर बन के रहना होगा। गोपाल ने कहा, ठीक है, और वो तीनों गोपाल को लेकर चल पड़े। दोपहर में विश्राम के लिए वो रास्ते में रुक गए। पानी वगैरह पीने के बाद वो पेड़ के नीचे बैठे, तब उन्हें पास ही कुछ हड्डियां नजर आईं। उन तीनों में से बड़े भाई को अपनी विद्या दिखाने की इच्छा हुई। उसने कहा, देखो, मैं ये हड्डियां जोड़कर इससे जानवर का कंकाल बनाऊंगा। और कुछ ही पलों में उसने हड्डियां जोड़कर एक जानवर का कंकाल बना दिया। कंकाल देखने के बाद तुरंत दूसरे भाई ने कहा, अब मैं मेरी विद्या के सामर्थ्य से इस कंकाल पर मैं रक्त, मांस और चमड़े का निर्माण करता हूँ। और तुरंत उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया। देखते ही देखते उस कंकाल पे रक्त, मांस और चमड़ा आ गया। गोपाल ये सब आश्चर्य से देख रहा था। तभी तीसरा भाई अपनी होशियारी दिखाने के लिए आगे बढ़ा। उसने कहा, अब मैं मेरे मंत्र सामर्थ्य से इस जानवर के अंदर चेतना फूंकता हूँ और इसे जीवित करता हूँ। गोपाल ने डर के मारे कहा, रुको, अगर ये जीवित हुआ तो हमें खा जाएगा, तुम इसे जीवित मत करो। तीसरे भाई ने गोपाल से कहा, हे मूर्ख, दूर हो जाओ। दो भाइयों ने अपने ज्ञान के दम पर सिर्फ हड्डियों का एक जानवर तैयार किया। अब मैं मेरी विद्या का कमाल दिखा कर ही रहूंगा, तो चुप रह। गोपाल ने कहा, ठीक है, लेकिन मेरी बात मानो, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मत मारो। मेरे पास तुम लोगों जैसी विद्या तो नहीं है, लेकिन व्यवहारिक ज्ञान है, जगत का अनुभव है। लेकिन गोपाल की बात कोई मान ही नहीं रहा था। तब गोपाल ने कहा, ठीक है, पहले मैं उस पेड़ पे चढ़ता हूँ, उसके बाद तुम मंत्र पढ़ो। ऐसा कह के गोपाल उस पेड़ पे चढ़ गया। तीनों भाई गोपाल पे हंसे और उन्होंने कहा कि ये कितना बेवकूफ है। अब तीसरे भाई ने मंत्र पढ़ना शुरू किया और उसके बाद जो प्राणी जीवित हुआ वो प्राणी था एक सिंह। उसने एक भयंकर दहाड़ मारी और तीनों भाइयों पर हमला करके उन्हें मार के खा लिया। लेकिन चतुर गोपाल पेड़ पे चढ़ा हुआ था, इसलिए वो सुरक्षित रहा। एक समय की बात है, एक मुर्गी खाने में एक लाल मुर्गी रहती थी। उसने अपना घर खुद बनाया था। वो दिन रात मेहनत करके अपना खाना खुद ही जमा करती थी। वो मुर्गी बहुत ही मेहनती थी। उसके घर के पास जो तालाब था उसके करीब ही एक चालाक लोमड़ी अपनी बीवी के साथ रहता था। वो बहुत ही चालाक था, हमेशा अपनी बीवी को खुश रखने के लिए अच्छा अच्छा खाने का शिकार करता था। लोमड़ी और उसकी बीवी की नजर हमेशा उस लाल मुर्गी पर पड़ी रहती।
लोमड़ी जब भी उस लाल मुर्गी को देखता उसके दिमाग में एक ही बात घूमती, ये लाल मुर्गी बड़ी स्वादिष्ट होगी, मैं मेरी बीवी को ये तोहफे में देना चाहता हूँ, फिर हम इस मुर्गी को पकाएंगे बड़े बर्तन में। ऐसे ही एक दिन लोमड़ी ने अपना बाजार का थैला उठाया और अपनी बीवी से कहा, मैं उस लाल मुर्गी को पकड़ने जा रहा हूँ, आज रात को हम उस मुर्गी को खाएंगे, उसे पकाने की तैयारी करो और बड़े से बर्तन में पानी उबालो, तब तक मैं वापस आता हूँ। बीवी से ये बात कहकर लोमड़ी उस लाल मुर्गी के घर के पास चला गया। लोमड़ी की बीवी बहुत खुश थी और उसने मुर्गी को पकाने के लिए बड़ी सी कढ़ाई निकाली, उसमें पानी और मसाला डालकर पानी को उबलने के लिए रख दिया। उसी वक्त वो लाल मुर्गी अपने घर से बाहर निकली और रात के लिए खाना जुटाने में लग गई। उसने चालाक लोमड़ी को पेड़ के पीछे छुपा हुआ नहीं देखा। लाल मुर्गी खाना खोजते खोजते घर से दूर चली गई। लोमड़ी ने सोचा कि यही मौका है और वह तुरंत मुर्गी के घर के अंदर घुस गया। लोमड़ी ने पूरी तैयारी कर ली थी कि वो लाल मुर्गी के लौटने के बाद उसे कैसे पकड़ेगा। कुछ ही देर बाद वो लाल मुर्गी अपने रात के खाने की थैली लेकर वापस लौटी। उसने घर में घुसकर घर का दरवाजा बंद किया। जैसे ही लोमड़ी ने देखा कि मुर्गी के भागने के सारे रास्ते बंद हो गए हैं, तो वो मुर्गी को पकड़ने के लिए उस पर टूट पड़ा। मुर्गी ने लोमड़ी के साथ बहुत हिम्मत से लड़ाई की। मुर्गी ने झट से अपनी थैली नीचे छोड़ी और वो उड़कर एक लकड़ी के ऊपर जाकर बैठ गई। मुर्गी ने बैठकर सांस ली और लोमड़ी से उसने कहा, ओह चालाक लोमड़ी, तुम मेरे घर के अंदर क्या कर रहे हो? तुम कितनी भी कोशिश कर लो मुझे पकड़ नहीं पाओगे। तुम कितनी देर तक मुझसे बचने की कोशिश करती रहोगी? लोमड़ी ने देखा कि अभी मुर्गी को पकड़ना शायद मुमकिन नहीं है। ये मुर्गी बहुत होशियार है, बहुत फुर्तीली भी है, पर लोमड़ी भी बहुत चालाक है। लोमड़ी ने एक पल के लिए सोचा और उसने झट से अपने दिमाग में एक योजना बनाई और उसने कहा, मैं और मेरी पत्नी तुम्हें पकड़कर रात को खाना चाहते थे, मैं मेरी पत्नी को निराश नहीं कर सकता। मुर्गी जहाँ ऊपर खड़ी थी उसी के सामने नीचे जाकर वो लोमड़ी खड़ा हो गया और वो गोल 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 वहीं घूमने लगा। वो अपनी पूंछ को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। मुर्गी सब कुछ ऊपर से देख रही थी और वो सोचने लगी, ऐसे तो लोमड़ी थक जाएगा। लोमड़ी और तेज अपनी पूंछ को पकड़ने के लिए गोल गोल घूमने लगा। मुर्गी ध्यान से उस लोमड़ी की हरकतें देख रही थी, पर वो समझ नहीं पा रही थी कि लोमड़ी आखिर कर क्या रहा है। लोमड़ी को गोल गोल घूमते देखकर मुर्गी का सर घूमने लगा और वो खुद को संभाल नहीं पाई। उसका संतुलन बिगड़ गया और वो नीचे लोमड़ी के थैले में जा गिरी। लोमड़ी ने थैले को अपने कंधे पर उठाया और वो तालाब की ओर चलने लगा। लोमड़ी बहुत खुश हो गया, उसने सोचा मुर्गी कितनी स्वादिष्ट होगी। लोमड़ी धीरे धीरे तालाब की ओर बढ़ रहा था क्योंकि मुर्गी को पकड़ने में उसकी बहुत मेहनत लगी थी। वो बहुत थक चुका था, उसकी हालत खराब हो चुकी थी, वो एक भी कदम नहीं चल पा रहा था और उसने सोचा, लगता है रात होने में अभी काफी समय है, मैं थोड़ा आराम करता हूँ। लोमड़ी ने थैले को एक बड़े से पत्थर के पास रख दिया और वो पत्थर पर जाकर सो गया। बहुत जल्दी उसे नींद आ गई। लाल मुर्गी ने अपना दिमाग लगाया और वो थैले से बाहर आ गई। बाहर आकर उसने लोमड़ी को सोते देखा और वो आश्चर्य में पड़ गई। लाल मुर्गी बहुत हिम्मत वाली थी, उसने हिम्मत जुटाकर बड़े बड़े पत्थर उस थैले से बांध दिए और फिर जितनी जल्दी हो सके वो अपने घर चली गई। लोमड़ी की नींद टूटी, वो उठा लेकिन उसे कुछ भी पता नहीं चला। उसने थैले को अपने कंधे पे उठाया और तालाब की ओर चल पड़ा। लोमड़ी की बीवी ने उसे देखा और कहा, तो तुम लाल मुर्गी को ले आए? हाँ हाँ, क्या पानी गर्म हो गया? लोमड़ी की बीवी ने अपने मुंह से उस थैले को खोला और उस थैले को कढ़ाई में पलट दिया। सारे पत्थर उस गर्म पानी में गिरने लगे। खौलता पानी लोमड़ी और उसकी बीवी पर भी गिरा और दोनों की मौत हो गई।
लाल मुर्गी ने फिर कभी उस चालाक लोमड़ी को नहीं देखा और वह खुशी खुशी शांति से अपना जीवन बिताने लगी। एक समय की बात है, एक बच्ची जिसने लाल रंग की कंटोप पहनी थी अपनी बूढ़ी दादी के लिए स्वादिष्ट भोजन ले जा रही थी। उसे अपने कंटोप से इतना प्यार था कि वो हमेशा पहनती, इसलिए उसका नाम पड़ गया लाल कंटोप वाली छुटकी। ला 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 ला। जंगल में फूलों, पंछियों और तितलियों को देखकर खुश होते हुए, गुनगुनाते हुए वो जंगल के रास्ते अपनी दादी के घर की तरफ बढ़ रही थी। एक खास जगह बड़े ही खूबसूरत और रंग बिरंगे फूल खिले देखकर उसका ध्यान उनकी तरफ आकर्षित हुआ और वो सोचने लगी, दादी के लिए शरबत, केक और रोटियां तो ली है, अगर ये सुंदर सुंदर फूल भी ले लूं तो दादी और खुश हो जाएगी। लेकिन मम्मी ने कहा था सीधे दादी के घर जाना, रास्ते से यहाँ वहाँ मत भटकना और ना किसी से बात करना। लेकिन फूल तोड़ने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। अपनी माँ के सिख को नजरअंदाज करते हुए वो फूलों की डाल के पास पहुँची और फूल चुनने लगी। फूल चुनते चुनते उसकी नजर घने जंगल में फले पके पके बेर पर पड़ी। बेर देख कर उसके मुँह में पानी आ गया। मुझे तो भूख लग रही है, अगर मैं थोड़े से बेर खा लूं तो मम्मी को बुरा नहीं लगेगा, है ना? उसका चेहरा खेल उठा और वो फिर से बुदबुदाती है, इनमें से कुछ बेर दादी के लिए भी ले लेती हूँ। हाँ, दादी खुशी से झूमने लगेंगी। और फिर लाल कंटोप वाली छुटकी घनघोर जंगलों के बीच पहुँच कर बेर तोड़ने लगी। अचानक उसके पीछे की झाड़ियों में से कुछ हलचल होती है और देखते ही देखते एक विशाल और खतरनाक भेड़िया उसके बिल्कुल सामने आ गया। भेड़िये को देखकर लाल कंटोप वाली छुटकी बहुत डर गई। तुम यहाँ पे क्या कर रही हो छोटी लड़की? भेड़िये ने प्यार भरे बनावटी लहजे में पूछा। अपनी दादी माँ से मिलने जा रही हूँ, उनका घर जंगल के उस पार नदी के किनारे है, वो वहाँ अकेली रहती है ना, इसलिए मैं जा रही हूँ। छुटकी ने बड़ी मासूमियत से कहा। अब मैं अपना परिचय देती हूँ, मैं हूँ लाल कंटोप वाली छुटकी। तब मैं जल्दी जाकर तुम्हारी दादी को बताता हूँ कि तुम उनसे मिलने आ रही हो, तब तक तुम आराम से जितनी चाहो उतनी बेरिया तोड़ो। भेड़िया बड़ी चालाकी से बोला। ओह, आपका बहुत बहुत धन्यवाद भेड़िया महोदय। आप दादी को ये भी बताइएगा कि मैं उनके लिए स्वादिष्ट व्यंजन भी ला रही हूँ, वो बहुत खुश हो जाएंगी। भेड़िया सोचने लगा, आज का दिन अच्छा जाएगा, सबसे पहले मैं बूढ़ी दादी को निगल लूंगा जिससे मेरी भूख मिट जाएगी, फिर वो छोटी लड़की मिठाई की तरह। और फिर भेड़िया बड़ी तेजी से दादी माँ के घर की तरफ दौड़ पड़ा और यहाँ लाल कंटोप वाली लड़की ज्यादा से ज्यादा बेर तोड़ने के लालच में अपनी राह भटक गई थी। लगता है मैं रास्ता भटक गई हूँ, अब मैं दादी के पास कैसे जाऊँ, अपने घर किस तरह वापस लौटूं? छुटकी उदास मन से एक पेड़ के नीचे बैठ गई और जोर जोर से रोने लगी। मुझे माँ के चेतावनी का ध्यान रखना चाहिए था। उसके रोने की आवाज पास से गुजर रहे एक शिकारी को सुनाई दी और वो शिकारी आवाज की तरफ बढ़ता हुआ छुटकी के पास पहुँच गया। तुम यहाँ पे क्या कर रही हो छोटी बच्ची? मैं अपनी दादी माँ से मिलने जा रही थी, वो जंगल के उस पार नदी किनारे रहती है, लेकिन मैं रास्ता भटक गई। ये जंगल बहुत ही खतरनाक है, यहाँ जंगली जानवर भी हैं। मैं तुम्हें तुम्हारी दादी के घर तक सुरक्षित पहुँचाता हूँ। भयानक जंगली जानवर, पर वो तो बहुत अच्छे लग रहे थे, मेरी मुलाकात भी हुई थी भेड़िया महोदय से। वो शातिर भेड़िया, मैं उसे काफी देर से ढूंढ रहा हूँ, कहाँ है वो? वो मेरी दादी को सूचना देने गए हैं कि मैं उनके लिए स्वादिष्ट पकवान लेकर आ रही हूँ और बहुत जल्द उनके पास पहुँचने वाली हूँ। अरे भोली बच्ची, हमें जल्द ही तुम्हारी दादी के घर पहुंचना चाहिए, उनकी जान को खतरा हो सकता है। लाल कंटोप वाली छुटकी को समझ में आ गया कि उसने एक चालाक भेड़िये को सब कुछ बताकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। वो शिकारी के साथ जल्दी जल्दी अपनी दादी के घर की तरफ चल पड़ी क्योंकि उसे दादी की सुरक्षा की चिंता हो रही थी। और बहुत जल्द दोनों दादी के घर के सामने पहुंच गए। छुटकी ने घर का दरवाजा खटखटाया और अंदर से उसे एक आवाज सुनाई दी। कौन है? दादी, मैं हूँ लाल कंटोप वाली छुटकी, आपसे मिलने आई हूँ, आपके लिए खाने के लिए कुछ स्वादिष्ट सामान भी लाई हूँ। अरे मेरी बच्ची, चल अंदर आ जा, दरवाजा खुला ही है।
इतने में शिकारी ने कहा, तुम जाकर अपनी दादी से मिलो, तब तक मैं भेड़िये से घर की सुरक्षा करता हूँ। लाल कंटोप वाली छुटकी घर के अंदर चली गई और वहाँ उसने दादी को बिस्तर पर लेटे हुए देखा, लेकिन वास्तव में तो वो भेड़िया था जिसने दादी को निगल लिया था और दादी के वेश में बिस्तर पर लेटा हुआ था। अपनी दादी का ये रूप रंग अजीब और बिल्कुल बदला हुआ देखकर छुटकी ने उससे पूछा, दादी आपकी आँखें इतनी बड़ी कैसे हो गयी? ताकि मैं तुम्हें अच्छे से देख सकूं मेरी बच्ची। और आपके कान इतने बड़े क्यों हो गए दादी? ताकि मैं तुम्हारी बातें अच्छे से सुन सकूं। और आपकी नाक इतनी बड़ी क्यों है? ताकि मैं तुम्हारी सुगंध अच्छे से सुन सकूं बच्ची। छुटकी की नज़र बड़े बड़े नुकीले दांतों पर पड़ी और उसने डर से कांपते हुए पूछा, और आपके दांत इतने नुकीले और बड़े बड़े क्यों हैं? एकाएक वो भेड़िया छुटकी की तरफ छलांग लगाता हुआ बोलता है, ताकि मैं तुम्हें अच्छे से चबा सकूं मेरी मिठाई। छुटकी ने बड़े जोर से चिल्लाया और तुरंत वहाँ शिकारी आ धमका और बड़ी फुर्ती से उस भेड़िये को उसने मार डाला और फिर वो मरे हुए भेड़िये का पेट चीर कर दादी को भी बचा लिया। लाल कंटोप वाली छुटकी अपनी दादी को सही सलामत देखकर बहुत खुश हुई। दोनों एक दूसरे के गले लग गए और फिर छुटकी शिकारी की तरफ देखते हुए बोली, आपका बहुत बहुत धन्यवाद काका, आइए हमारे साथ इस स्वादिष्ट भोजन का आनंद लीजिए। भोजन? वाह, हाँ हाँ जरूर, हाँ क्यों नहीं। सभी हंसने लगे और केक, रोटियाँ, पके बेर और शरबत का आनंद लेने लगे। विचित्र बांसुरी वाला। बहुत समय पहले जर्मनी के हमलीन शहर में चूहों ने आतंक मचा दिया था। वो खाना खराब करते, वो बच्चों को काटते, वो टोपी कुतरते, कपड़ों को फाड़ते, चू चू की आवाज कर रातों को जागते, वो हंसते, वो गाते, बिल्ली को देखकर मुस्कुराते, हर गली हर घर में बस चूहे ही रहते। हमलीन के लोग हाथ पर हाथ धरे बैठे नहीं रहना चाहते थे जब वो चूहे उनकी थाली से निवाला छीन कर ले जाते। वो झाड़ू और डंडा लेकर उन्हें घर से भगाते, पर चूहे दुम हिलाकर किसी न किसी तरह घर में वापस आ जाते। बहुत जल्दी सारा अनाज खराब हो गया। शहर के मंत्री के कार्यालय के बाहर शहर के सारे लोग इकट्ठा हुए, सब गुस्से में फरियाद कर रहे थे। वो इन नन्हे आतंकियों से तंग आ गए थे। डर के मारे मंत्री बाहर आया और सीढ़ियों पर चढ़कर बोला, इस शहर के मंत्री होने के नाते मुझे बहुत दुख है।